नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय जेलों के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमें जेल रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसी वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि जो प्रिजेंस एक्ट 1894 है यानी हिंदी में कहूँ तो जेल अधिनियम अठारह सौ इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं क्योंकि यही वो एक्ट है जो राज्य सरकार को जेल के अंदर मैनेजमेंट और एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन करने की शक्ति प्रदान करता है चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो हम आपको डाटा बताएंगे वो हम कहाँ से बताएंगे तो देखिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है जिसको हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं ठीक है ये पाँच तरह की रिपोर्ट लॉन्च करते हैं इनके नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट रिजन स्टेटिक्स इन इंडिया रिपोर्ट रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन और पाँचवें नंबर पे आता है फिंगर प्रिंट इन इंडिया तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर देखने को मिल रहा होगा प्रिजन स्टेटिटिक्स इन इंडिया रिपोर्ट यानी जो ये रिपोर्ट है ये हमें प्रिजन यानी जेल के बारे में डाटा प्रोवाइड करती है तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में पी कह सकते हैं जो पी की लेटेस्ट रिपोर्ट है वो हुई थी लॉन्च 2021 को जो पी रिपोर्ट है वो हमको बताती है कि भारत के अंदर जेल कितनी है जेल के अंदर कैदियों को रखने की कैपेसिटी कितनी है हम प्रिजन के जो प्रिजन होता है उसका बजट क्या होता है प्रिजन के अंदर हम कितना खर्च करते हैं ये सारी बातें हमें पीएसआई रिपोर्ट बताती है तो जो पीएसआई रिपोर्ट 2021 के अंदर लॉन्च हुई थी उसने हमें क्या बताया उसने हमें बताया कि अगर 10 लोग जेल के अंदर हैं तो उसमें से आठ लोग ऐसे हैं जो अभी अंडर ट्रायल हैं यानी उनके ऊपर जो मुकदमा है वो साबित नहीं हुआ है वो अंडर ट्रायल है और फिर भी जेल के अंदर ही है ऐसे मामले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे थर्ड नंबर पे बिहार सेकंड नंबर पे बिहार और थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र अंडर ट्रायल के मामले में जितने भी लोग आपको जेल के अंदर देखने को मिलेंगे उसके अंदर से सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऐसे लोग हैं जो एस सी और ओ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बाद इस रिपोर्ट ने हमें बताया कि जेल के अंदर अंडर स्टाफ है यानी जितने लोग होने चाहिए उससे काफ़ी कम लोग हैं जो जेल के अंदर काम कर रहे हैं एज ए स्टाफ उसके बाद बात करते हैं बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर की देखिए जब 2020 और 21 का बजट लॉन्च हुआ था उससे 13 परसेंट ज़्यादा 2021 और 22 के अंदर हमने जेल को प्रोवाइड करा है बजट इससे क्या होगा हम थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जैसे कि हम जेल का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या फिर रिनोवेशन भी करा सकते हैं और कैमरे भी लगवा सकते हैं जेल के अंदर और भी कई सारे हम काम कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि हमें जेल के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं या फिर जो हमने एक्ट आपको बताया आठ वाला यानी जेल अधिनियम अठारह उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं सबसे पहले बात आती है कलोनियल हैंग की यानी क्योंकि अठारह सौ चौरानवे के अंदर यह एक्ट लॉन्च हुआ था ठीक है इसीलिए जो इसके अंदर प्रोविजंस करे गए हैं वो ब्रिटिश इंडिया वाले प्रोविजंस हैं यानी जो ब्रिटिश इंडिया उस समय हमारे ऊपर रूल कर रही थी उन्होंने इस एक्ट को इस प्रकार से बनाया था कि वो उनको फायदा करे, ठीक है उनका माइंडसेट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा लेकिन अभी तक अभी तक ता, हम इस एक्ट को अभी तक हम इस एक्ट को क्या कर रहे हैं बनाए हुए हैं इसी एक्ट से अभी सारे काम चल रहे हैं जबकि इसके अंदर कोड़े मारने की भी फजत दी गई है इसके अंदर मैक्सिमम हम तीस कोड़े मार सकते हैं सिर्फ एक आदमी को अभी तक ये एक्ट आपको देखने को मिलेगा कोड़े वाला ठीक है उसके बाद जैसा कि अठारह सौ चौरानबे के अंदर इसको लॉन्च किया गया था अठारह सौ चौरानवे के अंदर जब इस एक्ट को लॉन्च किया गया था या फिर इस एक्ट को लागू किया गया था तो इसका माइंडसेट क्या था देखिए अठारह सौ के अंदर जब इसको लॉन्च किया गया तो उस समय राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भावना थी वो बहुत ही फैल रही थी ठीक है लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना फैल रही थी लोग पॉलिटिकल अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो भी लोग आंदोलन कर रहे थे या फिर स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था कि हम उनका दमन कर सकें ठीक है तो इसीलिए हमें इस एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसके बाद जैसा कि आपको पता है जो जेल होते हैं वहाँ पर आपको कई सारी फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है जैसे कि वहाँ पर आपको हेल्थ अच्छा नहीं मिलेगा खाना पीना अच्छा नहीं मिलेगा हाइजीन बिल्कुल भी बेकार होगा तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा उसके बाद आपने कई बार न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि जेल के अंदर किसी के किसी को मार दिया गया कोई वॉलेंस हो गया तो ऐसी घटनाएँ हमें कई बार देखने को मिलती है जिसको हमें सुधारने की जरूरत है जो पुलिस कस्टडी होती है ना उसके अंदर भी लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है फिजिकली जिससे उनकी मौत हो जाती है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने बताया कि 2010 और 2020 के द्वारा जो जुडिशल कस्टडी होती है उसके अंदर हर रोज पांच लोगों की डेथ हुई है ठीक है इतना बड़ा डाटा है उसके बाद हाई आक्यूपेसी रेट इन प्रिजन जो पूरा भारत है उसके अंदर जितनी भी जेल है उसके अंदर जो कैपेसिटी है कैदियों को रखने की वो केवल चार लाख पच्चीस हजार समथिंग है लेकिन हमने उसके अंदर कितने लोग रख रखे हैं हमने उसके अंदर पाँच लाख चौवन हज़ार समथिंग लोगों को रख रखा है जब कैपेसिटी कम है और हमने उसके अंदर कैदी ज़्यादा रख रख रखे हैं तो उससे क्या होगा कई सारी आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी वो दिक्कतें क्या वक्ती हैं वो वक्त हैं हाइजीन की दिक्कत मैनेजमेंट करने की दिक्कत और मेंटल और फिज़िकली जो कैदी होते हैं ना उनके अंदर मेंटली और फिज़िकली भी हेल्थ की जो दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है ये सारी दिक्कतें हो गई उसके बाद बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऐसे कैदी हैं जो कुछ ना किसी न किसी कैटेगरी से आते हैं जैसे कि ओबीसी से एससी से ठीक है और एस से और ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं अब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको प्रोफिज़न नहीं पता कि किस प्रकार से बेल ले सकते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं इलिटरेट होते हैं इसीलिए बेल ले नहीं पाते इसीलिए अंडर ट्रैल की जो दिक्कतें हैं ना मैंने बताया कि दस में से आठ लोग अंडर ट्रेवल हैं ये बढ़ती जा रही हैं तो बेल लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए उसके बाद अननेचुरल डेथ्स आपको जेल के अंदर कई कई बार देखने को मिलेगी और बहुत सारे देखने को मिलेगी जैसे कि प्रिजन स्टेटिक्स ऑफ इंडिया दो की जो रिपोर्ट है उसने हमें बताया कि एक अननेचुरल डेथ हुई थी 2021 में और 150 लोगों ने सुसाइड भी कर ली थी जेल के अंदर तो ये सारी समस्याएं हैं उसके बाद वुमेन की समस्या आपको बहुत ही बड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि काफ़ी जो वुमेन होती हैं जो गिरफ़्तार की जाती हैं वो इलिटेड होती हैं उनको बहुत ही छोटे छोड़ छोटे चार्जेस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद छोटली सेक्सुअल अब्यूज भी उनके साथ किया जाता है यानी उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश की जाती है और भी बहुत सारे इशू हैं वोमेन प्रिजन के लिए जैसे कि फीमेल स्टाफ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा उसके बाद टॉयलेट्स आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे सफ़ाई नहीं मिलेगी हाइजीन तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा करप्शन देखने को मिलेगा आपको प्रिजन के अंदर जैसे कि मोबाइल फ़ोन आपको अगर चाहिए तो करप्शन के द्वारा आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा कहाँ पे जेल के अंदर ड्रग्स पहुंच जाते हैं बहुत ही इजी से वीपन्स जाते हैं जिसके द्वारा वहाँ पे बहुत सारे वॉयेंस आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया कि दस में से आठ लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं लेकिन इन अंडर ट्रायल लोगों को भी किसके साथ रखा जाता है जिन्होंने जिन्होंने क्राइम कर रखा है जब जिन्होंने क्राइम कर रखा है उनके साथ ही इनको रखा जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो आठ लोग हैं इनका भी जो इन्वायरमेंट है वो बिगड़ेगा जिससे चीज़ें अच्छी नहीं खराब ही होंगी उसके बाद एम्प्रीजनमेंट और पॉवर्टी का भी एक रिलेशन है मान लेते हैं कि एक फैमिली है ठीक है इसके अंदर एक ही आदमी है जो कमाता है और वही गिरफ्तार हो गया तो इससे क्या होगा यहाँ पर पॉवर्टी आएगी ठीक है पॉवर्टी आएगी ना क्योंकि यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं है ये भी दिक्कत है अब इससे क्या होगा जो रिलेशनशिप होते हैं ना जैसे कि वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशनशिप होता है या फिर पिता और बेटे का या फिर और भी कई सारे रिलेशनशिप होते हैं वो भी ख़राब होते हुए हमें देखने को मिलते हैं तो आज आपने समझा कि हमें जेल के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें सब्सक्राइब कर लें कमेंट कर दें थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन